गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फास्ट एंड फेस्टिवल में। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तु के अनुसार रात में सोने से पहले अपने बिस्तर को साफ कर लेना चाहिए, वरना बुरे सपने आते हैं। साथ ही अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज न रखें जिनको सोने के समय अपने पास रखने के लिए वास्तु शास्त्र में मना किया गया है। यह न केवल आपकी सेहत के लिए खराब होता है, बल्कि यह आपकी लाइफ में कई तरह के दुख और तकलीफों का कारण भी बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि रात में किन चीजों को पास रखकर नहीं सोना चाहिए, वो हम आपको अब इस वीडियो में बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना। आपको अपने तकिए के नीचे अखबार, मैगजीन, किताबें या पन्ने लिखने की कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि कॉपी, पेंसिल, पेन, बुक आदि। इन चीजों को सोते समय सिर के पास रखने से आपका जीवन दुखमय हो सकता है। माना जाता है कि कीमती सामान की हिफाजत जरूरी होती है, लेकिन वास्तु के अनुसार रात में सोते समय अपनी कीमती वस्तुएं अपने सिराने के पास नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपने आप से दूर सेफ्टी से रखनी चाहिए, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ ही आपके ग्रह दोष भी दूर होंगे। सोते समय कोई डरावनी फोटो या शो पीस भी अपने आसपास या अपने सिराने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से रात में सोते समय आप तनाव और नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो सकते हैं। सोते समय कभी भी जूते चप्पलों को अपने सर के आसपास या बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत और धन दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको भी रात में देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि रात में सोते समय आपके आसपास मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स न हो आपके सिराने। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही आपकी लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन सब चीजों पर अमल करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। और आपसे एक उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकॉन को दबाना है, जिससे कि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो को आराम से देख सकते हैं सबसे पहले। उम्मीद है आप हमारी इस बात पर भी अमल करेंगे।